चलिए तीन सवाल, एक आख सवाल और पूछ सकता है कोई, ये जो ने बना पूछो, हम तो ऐसे बोलते हैं। और सब बना दिया, और तुम बोलो आकाश, आकाश बोल रहे हैं, क्या नाम है इसमें, सत्यम, ये बन गया सर, बाकी बन गया, वही सब डाउट है 21 सब डाउट सर। है। यस ठीक है, आज मेहनत नहीं किया लग रहा है रात में। सर, अभी अभी फोन पे उठे हैं सर, रात को मेहनत नहीं किए होंगे। क्या दोस्त फोन किया? किया तब, दोस्त फोन किया तब उठे हैं सर। 8:30 बजे सर क्लास रहता तो ब्रश भी कर लेते। अच्छा ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 17, 17 फोटो बनाना पड़ेगा। देखो ऐसे करना है, जैसे जब कभी कभी आ जाता है, जब प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जमा हो गया है, तो उस वक्त क्या करना है, थोड़ा ज्यादा काम करना है। सीजन जैसे आता है, कैसे ज्यादा काम करता है, देखते हो कि नहीं लोग, यस सर। उस वक्त वो नहीं देखता है कि ड्यूटी मेरा कितना टाइम था, ज्यादा काम करता है। अब फिर सीजन खत्म हो जाता है, आराम भी करता है। तो अभी थोड़ा सा क्या था, ज्यादा जमा हो गया था काम हम लोगों का। नहीं, 4 kg, 2 kg, M1, M2, देखना ये सब सही लिख रहे हैं हम, सही लिख रहे हैं। बाहर से यहाँ पर से एक फोर्स कुछ लगाया जा रहा है, एक शीट है यहाँ पर, यहाँ से कोई एक फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, लगा ले। ठीक है, तो अब क्या क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का एक फोर्स यहाँ पर लगाया जा रहा है स्लिट से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक्सलरेशन ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, सब बहुत बढ़िया। देखो तो क्या करना पड़ेगा, देखो एक तो एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ, तो दोनों का एक्सलरेशन तो एक ही होगा, अलग नहीं होगा, ये बता रहा, समझ में। यस सर। एक होगा, ये बात तो समझ में आ रहा है। मान लेते हैं ये नीचे आ रहा है ए से, और ये ए से ऊपर जा रहा है, तो हम इक्वेशन लिखेंगे, एक फोर्स बढ़ा देंगे सिर्फ इसमें, बस बाकी न्यूटन लॉ का ही सवाल है ये टी ऊपर, समझ रहे, ये आकांक्षा, और ये 2g नीचे की तरफ, और ये 4g नीचे की तरफ आ जाएगा। यहां तक कुछ सिस्टम मानिए, अब यहां तक, तो यहाँ तक को सिस्टम मानोगे तो ऊपर तो टी रहेगा ही, एक 10 भी रहेगा, ऐसे समझो। यहाँ तक को सिस्टम मान लिए, तो यहाँ तक को सिस्टम मानोगे तो एक टी तो ऊपर है ही है, प्लस 10 भी है, तो इसके ऊपर देखा जाए तो दो फोर्स है, एक टी भी है, प्लस कितना न्यूटन है, प्लस 10 न्यूटन है। बस अब इक्वेशन लिखते हैं हम लोग और रीअरेंज करते हैं, और जो जो कह रहा है, दो तीन बात होगा इसमें निकालना, वो तो सब बात करते जाते हैं। जी का मान शायद लेना है, जी का मान 10 लेना है, दस तो ले सर। हम लोग एक ही बार इसके वैल्यू को पुट ही कर लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 40 माइनस ऊपर कितना है 10, प्लस 10 माइनस टी, बोलो सही है ये, 40 माइनस 10 माइनस टी। ठीक है चलो, हाँ सर, दिस इक्वल टू 4a, यस इक्वेशन नंबर 1। अच्छा ठीक, अब इधर से आ जाओ, इस तरफ से आ जाइए, इधर से आ जाओ, कितना लग जाएगा इधर से, जो टी माइनस कितना, टी माइनस 20 बराबर 2a, बराबर 2a, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो हमको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, टी से टी यहाँ पर कट जाएगा, 40 में से 10 गया 30, 30 में से 20 गया कितना 10, 10 बच रहा है छोटू, इधर 10 ही तो बच रहा, यस 10 बराबर सर। 6a, यस तो a बराबर कितना 10/6, और 10/6 का मतलब फाइव कितना 5/3 यूनिट बाई होगा थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का मान कितना आ गया मेरे भाई, 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मतलब ऑप्शन ए मेरा सही है। इसके बाद यस कह रहा टेंशन इन स्ट्रिंग निकालने के लिए, टेंशन इन स्ट्रिंग थ्रू, टेंशन इज इन इन द स्ट्रिंग इज सेम थ्रू आउट,
क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पर इस रीजन में जो टेंशन होगा ना वो T+10 हो रहा है, इस रीजन में सही मायने में टेंशन देखे तो टी नहीं है बल्कि टी प्लस क्या है, इधर टी है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन मास एम टू, मतलब ये टी का निकल देंगे, टी तो टी का मान इसमें रख दीजिए, तो टी का मान रख देंगे तो हो जाएगा टी बराबर 20 प्लस 2a, ए का मान है 5/3, तो 60/10 = 70 न्यूटन। क्या ये ऑप्शन भी सही है? ये ऑप्शन देखो 70/3 बोल रहा है क्या? यस सर, तब तो ऑप्शन सही हो गया, नहीं मतलब ऑप्शन बी बी सी भी सही हो गया ऑप्शन। और देखो क्या बोल रहा है, ए सही पहले से था, और क्या बोल रहा है डी में, क्या बोल रहा है, कह रहा कि इफ पोजीशन ऑफ बोथ द मासेस इंटरचेंज देन 2 kg, देन 2 kg चेक करके देखना पड़ेगा, 2 kg मूव्स अप विद एन एक्सेलरेशन 10/3 m/s। कह रहा कि अगर इसको इधर कर दे हम तो लिख के देख लेंगे, ये कोई खास बड़ा बात नहीं है, जैसे इसमें किए वैसे सेम नहीं करके देख लेगा। हाँ सर करके देख लेंगे सर। एक बार देखो आंसर, देखो क्या कर दिया सर, ए और सी सर। अच्छा इसका मतलब वो नहीं आ रहा होगा, ऐसे करके चेक कर लेना, यहाँ पर 2 kg, यहाँ पर 4 kg, सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। ठीक है जरूर, ठीक है सर। चलो 17 हम लोग बना दिए, 17 के बाद है बीस नंबर सवाल है ना, 17 के बाद ना 21 है। अच्छा 17 बाद तो पहले 20 ही आता, पहले 20 बता देते हैं, नंबर में 20 आता है ना 17 के बाद। यस सर, तो 20 में एक मिनट, 20 सवाल तुम लोग जरा पढ़ो तो छोटा का दिखता है। देखो क्या बोल रहा है, एक बॉक्स है, ये फोटो बनाना पड़ेगा, ये जो बॉक्स है ठीक, इसमें फोर्स कैसे कैसे लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस है, ये जमीन है इसका, ये सरफेस को पकड़े हुए ऊपर की तरफ कौन सा एक्सिस लिया है, ये जेड एक्स क्रॉस वाई, एक्स आपके तरफ है ऐसे, एक्स किधर है जो बाहर की तरफ निकलता हुआ, ठीक है, तो एक्स को हम ऐसे तिरछा दिखाते हैं, ये एक्स एक्सिस, डॉट भी लगा दो कि ऊपर की तरफ है, ये ऐसे है, फोटो समझ रहा, एक्स ऐसे है, वाई ऐसे है और जेड ऐसे है, कितना कितना फोर्स है वो सब लिख दीजिए जल्दी जल्दी, इधर है 6 न्यूटन, इधर एक्स की तरफ कितना न्यूटन है 6 न्यूटन है, वाई की तरफ कितना न्यूटन है 8 न्यूटन, 8 न्यूटन, और इधर कितना न्यूटन है 10 न्यूटन, 20 सर, इधर है 20 न्यूटन, ठीक, और फ्रिक्शन कितना जुड़ो, एफ बराबर कितना है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4, एक मिनट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.4 है सर, दिख गया, म्यू का मान है 0.4, यह है 0.5 kg सर, ब्लॉक का मास है 5 kg, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा इमेजिनेशन है छोटू, थोड़ा सा फील करना है, महसूस करना है इस सवाल को, तो ये देखो ऐसे ब्लॉक जब रखा हुआ है इसका वेट कैसे काम कर रहा है, वेट नीचे काम कर रहा, हाँ सर, वेट इधर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है नीचे की तरफ, कितना वेट जो है 50 काम कर रहा, और एक फोर्स तो ऊपर से 20 लगा दिए हो, और नॉर्मल भी इधर ही लगेगा, तो नॉर्मल का मान कितना हो जाएगा, नॉर्मल यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, तो नॉर्मल कितना हो गया 30 न्यूटन, हाँ ये थोड़ा सोचना था कि नॉर्मल 30 न्यूटन है, बहुत बढ़िया, अच्छा नॉर्मल निकाल लिए तो हम फ्रिक्शन का वैल्यू कहां से कहां तक वो निकाल लेते हैं, फ्रिक्शन काम करेगा 0 to FL, 0 to FL, तो 0 से 12 न्यूटन, 0 से 12, अब इसमें अप्लाइड फोर्स देखो, अप्लाइड फोर्स इसमें ऐसे लग रहा 8 न्यूटन इधर और 6 न्यूटन इधर, तो दोनों मिला के कितना न्यूटन हो जाएगा, अगर दोनों मिला के हम इस डायरेक्शन में फोटो ड्रॉ करें, इधर इधर है 8 न्यूटन, इधर 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 फोटो कैसे बनाए हम, हाँ हाँ सर,
तो इधर है 6 न्यूटन, तो सब मिलाकर फोर्स कितना न्यूटन लग रहा? 10 न्यूटन। हाँ, अप्लाइड फोर्स इसमें 10 न्यूटन है। और ऐसे देखो, ऐसे ऐसे एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कितना कितना एंगल पर वो दिख रहा हमको, ये 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है या नहीं? तो अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है और फ्रिक्शन है 12 तक, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10 न्यूटन लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा सर। और ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा, ब्लॉक क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। और ये जो फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन है, ये देख लो कैसे लग रहा है, फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, ठीक इसके पीछे लग रहा है, ऐसे ठीक इसके पीछे। अब कितना एंगल पे लगेगा वो देख लीजिए आप, यहाँ ये 90 हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो रहा, ये एंगल कितना हो रहा, 8 के साथ बड़ा के साथ छोटा, 33 डिग्री, 53 हो गया सर इधर वाला एक्स के साथ। हाँ, लेकिन अपोजिट एंगल इधर से होगा, जवाब कैसे दिखा है? हो रहा है, जोड़ के देख लो। हाँ सर, हो रहा है, ठीक है। और कह रहा है क्या, द कॉन्टेक्ट फोर्स एग्जर्टेड बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक, कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन अनॉर्मल, कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन अनॉर्मल का स्क्वायर, याद है ना? भूल गया? हाँ सर याद है। ये रूट अंडर हो जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, तो एफ है 10 न्यूटन, 10 का स्क्वायर प्लस एन है शायद, एन कहाँ निकाले, 30 का स्क्वायर, तो ये सब मिला कितना हो गया, 400, 300 और एक 900 और एक 100 हो गया, 10 न्यूटन आ गया। हाँ, इसे बाहर भी कर लो तो जगह कितना, 10 रूट 10 हो जाए, 10 रूट 10 न्यूटन। तो देख लो क्या क्या आंसर दिया हुआ है। हाँ सर, दिया हुआ है जो जो लाए वही दिया हुआ है। चलो तो हो गया, चलो एक सवाल और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है द फोर्स एफ वन पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन बनाओ, इसमें इक्वेशन लिख देते हैं, तुम लोग घर पे बनाना है सवाल। एफ वन पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन दैट इज नेसेसरी टू मूव अप द बॉडी is double the F2 that is necessary to just prevent it from sliding down. Then, अभी थीटा बराबर दिया हुआ है एंगल ऑफ प्लेन, फाइ बराबर दिया हुआ है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक, W बराबर वेट दिया हुआ है, बहुत अच्छा। तो देखो चलो, अभी एंगल थीटा है, अभी एंगल कितना है, बोलो साहब? थीटा है, और लिमिटिंग एंगल दिया हुआ है इसका फाइ, इसका मतलब tan phi बराबर mu s, tan phi बराबर कितना हो जाएगा? हाँ सर, mu s, tan phi का वैल्यू हो जाएगा mu s या mu, कुछ भी लिख दो, mu s tan phi बराबर mu, mu ही रहने देते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। अब ये दो बात कह रहा है, एक फोर्स क्या है F1 है और दूसरा फोर्स क्या है छोटू, बोलो। F2. Rather, the force F1 is parallel to inclined plane that is necessary to move up the body. दो फोर्स पहले लिख लेते हैं, एक F1 और एक F2. तो मान लेते हैं कि ये F1 फोर्स है, उसके बाद में F2 लिखेंगे, फिर देखते हैं क्या रिलेशन है, वो रिलेशन देख लेंगे। ये बोलो, ये अप जब चलेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ये फ्रिक्शन पीछे लगेगा, है ना जोड़ो? और चल रहा, स्लोली चल रहा, एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो इधर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। यस,
और इधर वेट भी लग रहा होगा इधर इसका एमजी और चूंकि स्लोली मूव कर रहा है जस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब एफ वन बराबर कितना एफ वन का वैल्यू आ गया इस वैल्यू इज योर एम जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जहां पर म्यू बराबर कितना टेन फाइव बाद में रीअरेंज कर लेंगे हम लोग म्यू एम जी कॉस थीटा दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। अब दूसरा में क्या बोल रहा है एक और फोटो बनाई है अब इंक्लाइन प्लेन पर अब दूसरा में एफ टू फोर्स के बारे में क्या कह रहा है F2 फोर्स के बारे में ये कह रहा है पढ़ो तुम लोग भी पढ़ो F2 फोर्स क्या जस्ट प्रिवेंट है F2 फोर्स होल्ड करके रखे हुए इसको इसका मतलब कि बॉडी स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे ले रहा तो हाँ ये तो समझना है बस आप थोड़ा कुछ सवाल में और ये F2 और स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे है इसका मतलब फ्रिक्शन इसमें ऊपर है तो ये म्यू एम जी म्यू एम जी कॉस थीटा लेकिन वेट तो इधर ही काम करेगा दिस इक्वल टू एम जी साइन थीटा वेट कहाँ भागेगा तो एफ टू बराबर कितना आ गया तुम्हारा एफ टू का वैल्यू आ गया एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा दिस इज योर इक्वेशन नंबर ये टू बोल दो इसको इसको थ्री बोल दो वन तो ये था टेन फाइव बराबर म्यू यहाँ पर म्यू आ रहा वहां क्या रखते हैं छोटू हम लोग टेन फाइव टेन फाइव का मतलब साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव फिर रीअरेंज कर ले अब इस दोनों में कंडीशन बता रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन में बताओ तो छोटू कौन किसका बराबर है क्या डबल है ट्रिपल है देख के पढ़ के बताइए हमको एफ वन बराबर जो है वो टू एफ टू है ऐसे ये बताओ इसमें एफ वन बड़ा है कि एफ टू बड़ा है एफ वन सर जवाब आ जाए ठीक है इतना कर सकता है चुडू और साथ में जहां पर म्यू आएगा वहां पर क्या पुट कर देना लास्ट में फिर टेन थीटा टेन थीटा नहीं टेन फाइव फिर रीअरेंज कर देना बस हो एक सवाल ये बहुत अच्छा था तुमने नहीं पूछा बताने बच्चा पूछता है सर एक सवाल ये कौन सा सर क्वेश्चन नंबर 19 बना लिया था तुम लोग 19 बना लिया सर बनाने की सब अच्छा बना लिया था यस सर यस सर कैसे बनाया आकांक्षा बता दे रहा 19 नंबर उन्नीस नंबर कैसे बनाया समझाओ थोड़ा सा हमको सर पहले फोर्स का रेंज लिए थे सर रेंज करके बनाए थे एफ का इसे फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज करेगा एक ही डायरेक्शन में रहेगा चेंज करेगा सर हां चेंज करेगा मिनिमम निकालेंगे तब फ्रिक्शन अलग डायरेक्शन में होगा और मैक्सिमम निकालेंगे तो अलग डायरेक्शन में होगा हां यही था अलग ऐसे सॉल्व कराए थे इन कराने से क्या होता है ये तो उन्नीस इसमें बढ़िया सवाल है तो जो लोग नहीं बनाया है उन्नीस जरूर एक बार बनाना घर पे ठीक है क्वेश्चन नंबर 19 गुड क्वेश्चन चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज थ्री में बोले थे दो चार सवाल पूछने के लिए कितना टाइम अरे आधा घंटा हो गया चलो फिर भी एक्सरसाइज फोर में कुछ बनाया है नहीं बनाया छोड़ दो ना बोलो जल्दी बनाया था नहीं बनाया ठीक है इसमें होमवर्क लगा देते हैं ज्यादा सवाल है भी नहीं इसमें कितना कब है क्लास तुम्हारा क्लास कब है अब परसों टाइम मिल जाएगा दस ही सवाल है दस सवाल बना लेंगे एक्सरसाइज फोर सैटरडे को है शायद सीधे यस सर डायरेक्ट सैटरडे हाँ बहुत बढ़िया बहुत टाइम मिल रहा तुमको एक से दस तक ये बना करके जितने जल्दी बना लो ऐसा नहीं कि सैटरडे तक बनाना है हमको कल परसों तक बना लीजिए इसके बाद शुरू कीजिए वर पावर एनर्जी आप ठीक है ठीक है सर यस सर चल देखो उसमें कहाँ तक थे हम लोग
उसमें कहाँ तक थे छोटू? हमको याद आ रहा लगता है एक सवाल कुछ कर रहे थे जिसमें उल्टा दे दिए थे, उल्टा तो नहीं था, हम लोग बेसिकली वो देख रहे थे पाथ डिपेंडेंट फोर्स और पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स। हाँ, एक जो कांस्टेंट फोर्स होता है सब पाथ इंडिपेंडेंट होता है, फिर एक्स के साथ आई के साथ एक्स, वाई के साथ जे के साथ वाई, और जेड के साथ के कैप, ये भी क्या होता है, ये भी पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स होता है नहीं? यस सर। तो हम लोग थे एक आध सवाल और इस तरह का देख लेते हैं पहले, ठीक है, तब हम आते हैं आगे। यस सर। ठीक है देखो, क्या तरीका बताया था याद है? लास्ट में ये सवाल कराए थे लग रहा हम, एफ बराबर, ये सवाल कराए थे ना, एफ बराबर वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, अब प्लस एक्स जे कैप ये कराए थे। एक सवाल और लिख दे छोटू। हेलो, कितना नंबर बोलो, नंबर कितना था बोलो तो? अच्छा चलो, फोर्स है तुम्हारा, फोर्स है छोटू एक्स स्क्वायर जे कैप, अब प्लस टू एक्स वाई आई कैप, उल्टा लिख दिया क्या? एक्स स्क्वायर टू एक्स, उल्टा इधर से लिख दो, टू एक्स वाई आई कैप अब प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, वो एक ही चीज था पहले, ये लिख दिए, ठीक है? यस सर। और वही ले लो हमेशा जो ले रहे थे, ए जीरो 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 और बी 2,2,2, वो सवाल तो सेम ही है, रिपीट कर लीजिए। सवाल क्या था बोल दो एक बार। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम ए टू बी, डिसाइड वेदर इट इज पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट।
चलिए चलिए, बहुत दूर पढ़ना है, 8:30 हो गया है। क्या करना पड़ेगा? कल स्टेप बताए थे, स्टेप याद है? भूल गया। यस सर, पार्शियल इंटीग्रेशन से स्टार्ट। हाँ, पार्शियल इंटीग्रेशन करके चेक करते हैं ये इंटीग्रेशन हो पाएगा या नहीं। ठीक है, अप्लाई तो करता है। तो आ जाओ मिलके कर ले। ठीक है सर, आ जाओ। डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर, बराबर एफ डॉट डी आर। तो एफ का मान कितना आ गया मेरे भाई? 2xyi कैप अब प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, जे कैप। डॉट डी आर का वैल्यू कितना भाई? dxi कैप अब प्लस dy जे कैप, जे कैप। अब क्या करना पड़ेगा? अब ये क्या आ गया तुम्हारा? अब ये आ गया टू, कहा टू था उसमें? क्या था शायद, तू लिखे थे कि एक्स वाई सी लिखना था, गड़बड़ करेगा क्या? 2xy dx छोड़ो, अब प्लस ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर डी वाई, नहीं ठीक है, एक्स स्क्वायर डी वाई। अब इसमें दो पार्ट आ गया। अब जमेला क्या कर रहा है? ये इधर वाई वाला टर्म परेशान कर रहा है, अगर dy सर x का टर्म परेशान कर रहा। अगर कोई कोऑर्डिनेट बता दे, रिलेशन बता दे कि y x में क्या रिलेशन है, तब तो इंटीग्रेट हो ही जाएगा ये। मतलब पाथ बता दे तो पक्का इंटीग्रेट होगा। पाथ बता दे तो पक्का इंटीग्रेट हो जाएगा। अब है कि क्या बगैर पाथ बताए भी इंटीग्रेट हो सकता है? यस सर, बाय पार्शियल इंटीग्रेशन। तो हम लोग चेक करते हैं, नहीं चेक करके देखेंगे हो सकता है या नहीं। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है, इसको 1 और इसको 2। तो देखो 1 वाले को देख लीजिए, 1 ये पार्ट है और ये देख लो, इसको पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। तो हम लोग y को बाहर कर देते हैं, 2y को बाहर कर दे, 2 भी तो कांस्टेंट ही है, और x dx, तो x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है। इधर आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर y, इसी जो x स्क्वायर y आ जाएगा, बहुत अच्छा। और दूसरा पार्ट जो है, जो सेकंड टर्म है तुम्हारा, वो है x स्क्वायर dy। तो इसमें dy को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर y। ओ हो, ये दोनों क्या आ गया? सेम आ गया। इसका मतलब ये बगैर पाथ का इंटीग्रेट होगा। इसका क्या मतलब? ये बगैर पाथ बताए भी ये इंटीग्रेट होगा। और इतना ही नहीं, इस दोनों के बदले हम लोग को एक डिफरेंशियल सॉल्यूशन भी मिल गया, इसके अल्टरनेटिव फॉर्म मिल गया हमको। क्या मिल गया छोटू? तो ये मिल गया है 2xy dx और प्लस x स्क्वायर dy, दिस शुड बी इक्वल टू ए स्मॉल d x स्क्वायर इनटू y। ये मिल गया हमको, यानी छोटा सा x स्क्वायर y। इसको क्या पढ़ेंगे? छोटा सा x स्क्वायर। हाँ, तो अब हम ऊपर मिटा सकते हैं क्या? यस सर, ऊपर मिटा देते हैं। तो अब हम लिख देते हैं dw बराबर आ गया d इंटू एक्स स्क्वायर वाई। ये आ गया, इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक छोटू? a से b। a का कोऑर्डिनेट कितना है छोटू? 0 0, और b का कोऑर्डिनेट है 2 2। तो वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम a टू b, दिस इज योर, ये आ जाएगा कितना बोलो? ये आ जाएगा छोटा सा d into x square y, कल बताया था, बोलो जल्दी, बोलता नहीं फिर भूल जाएगा तुम। ये आ जाएगा x square y, 0 0, और 2 2। अब एक बार ऊपर वैल्यू रखो, इसके जगह 2 रखो, ये आ जाएगा 4 और ये 2 रखो, तो जगह 8, और माइनस करो, और ये 0 रखो into 0 रखो, ये पूरा सोल्यूशन है। तो ये आ जाएगा 8 जूल। कितना जूल? और क्या लिखेंगे फर्दर? वर्क डन पाथ डिपेंडेंट की पाथ इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। यहाँ पर लिख देता एज 1 बराबर 2, यहाँ पर लिख देता 1 बराबर 2 है। इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जो नहीं होगा उसको इन एग्जैक्ट बोले।
एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ऐसे नाम है, कुछ खास बात नहीं है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अच्छा ठीक, और यहाँ पर लिख देंगे ये वर्क डन जो है क्या है, पाथ डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट के बीच में, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, ठीक है। यहां तक की बात आया समझ में सबको? यस सर, आगे। हाँ, अब दो एग्जांपल हो गया, क्या ऐसा और एग्जांपल चाहिए जिसमें एग्जैक्ट आए कि अब इन एग्जैक्ट लगा दे? हाँ सर, अब इन एग्जैक्ट वाला करवाइए। हाँ, ये तो समझ में आ गया इस तरह वाला सिचुएशन। नहीं, दो एग्जांपल से आगे समझ में क्या कर रहे हैं। इनएग्जैक्ट में, जैसे एग्जैक्ट वाले में हमको थोड़ा सोच कर लिखना पड़ता था, सवाल बनाना पड़ता था, और उसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसमें कुछ भी लिख दे। सही अभी देखा, सवाल देने से पहले क्या कर रहे थे? यस सर, नीचे में वही हम देख रहे थे सर, नीचे कर रहे थे सर। मतलब अंदाज से कुछ आप लिख सकते हो उसमें, है ना? यस सर, उसमें क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा पहले, इसमें सेट करने की जरूरत नहीं है। चलो अच्छा, एक ट्रिक इसे थोड़ा सा और बता दे। मान लिया किसी बच्चा का लग रहा है कि थोड़ा लेंदी अप्रोच हो जाएगा, लेंदी तो नहीं है, बहुत शॉर्ट है ये, फिर भी लग रहा है, तो क्या करना है कि ए और बी के बीच में कोई एक पाथ का इक्वेशन लिख लेना। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सबको लिखने आता है कि नहीं? यस सर। तो उससे जो रिलेशन आएगा वाई एक्स में, वो वहां पुट कर दोगे तब भी जवाब आ जाएगा। समझ रहे हैं जो बोल रहे हैं हम? Yes, sir. हाँ, तो उससे भी हो जाएगा जवाब। वो हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, अल्टरनेटिव रास्ता हो गया। वो पूरा मेथड तो नहीं हुआ, लेकिन सवाल आंसर तुम कर लेगा उससे। हालांकि ये भी कोई भारी नहीं है कि पार्शियल इंटीग्रेशन करके चेक करना। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 7 or 6। चलो छोड़ो, एफ बराबर है, एफ बराबर हम लोग लिख लेते हैं वाई, अब कुछ भी लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं। वाई स्क्वायर जे कैप, वाई स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई, प्लस एक्स वाई, वाई स्क्वायर आई कैप, आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई छोड़ दो, हटाओ और लफड़ा कैल करोगे, एक्स वाई जे कैप। पहले ये बताओ ये वर्क डन क्या है, पाथ डिपेंडेंट की पाथ इंडिपेंडेंट, पहले चेक करके देख लो। yes, sir. चेक करना आसान है कि नहीं? चलो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम, ओ पॉइंट ले रहे हैं, ये हो गया, ये छोड़ो इसे, यही लो, ए पॉइंट है 0 0, बी पॉइंट जो है तुम्हारा, जो बी पॉइंट है वो है 2 2। अब जल्दी चेक करके देख लो, डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डॉट डी आर, डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर, डी आर एफ का वैल्यू वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप, एक्स वाई जे कैप डॉट डी आर का वैल्यू कितना, dx i cap plus dy j cap, this equal to y square dx plus, इधर से कितना आ जाएगा, xy और dy आएगा छोटू, xy और dy, dy। अब जरा चेक करके देखो तो, अब ये कभी नहीं आएगा, ये पार्ट वन मान लो, इसको पार्ट टू मान लो, क्या बोले बाबू? सर इक्वल नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आएगा इक्वल, इक्वल नहीं है। ये वाई स्क्वायर को बाहर करो, ये इसको इंटीग्रेट करो, ये वाई स्क्वायर, तो ऐसे हमको देख के देख ही लग रहा था नहीं आएगा ये वन। इधर से क्या करेंगे आप, अब इधर से किसको बाहर करेंगे, एक्स को बाहर करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे वाई डी वाई, वाई डी वाई इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बाई टू,
बाई टू बराबर है दोनों? यस सर। अरे कहाँ बराबर है दोनों? नहीं है बराबर सर, नहीं है। हाँ तो वन बराबर टू, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। कैसा है ये? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है मतलब ये वर्गन पांच डिमांड करेगा। वर्गन क्या डिमांड करेगा जरूर लिख दो नीचे। हाँ देखो, एवर फोर्स डिमांड्स, वर्क डन ऑफ एवर फोर्स डिमांड्स, वर्क डन ऑफ एवर फोर्स डिमांड्स, वर्क डन ऑफ एवर फोर्स डिमांड्स पाथ, और ब्रैकेट में लिख दो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। पाथ के ब्रैकेट में क्या लिखेगा जरूर? रिलेशन बिटवीन एक्स, रिलेशन बिटवीन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या लिखा? एवर रिलेशन डिमांड्स पाथ, और ब्रैकेट में क्या लिखा? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब यही बढ़िया स्टॉप हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं निकलेगा। वर्क निकालने के लिए सवाल वाले को पाथ बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? पाथ। हाँ, तो अब वो सिखाते हैं पाथ देने के बाद कैसे निकलेगा। इसी से सवाल इसको मिटा दे। समझा इसका वर्क क्यों नहीं निकला? वर्क निकालने के लिए क्या बताना पड़ेगा पूछने वाले को? पाथ बताना पड़ेगा। पाथ का मतलब, पाथ का मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बताना। ठीक है, तो हम लोग सेम सवाल ही ले लेते हैं। ठीक है, आठवां, एफ इक्वल टू बोलो वाई स्क्वायर आई कैप प्लस क्या है एक्स वाई जे कैप था छोटू कितने वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप एक्स वाई जे कैप। तो इससे देखो पाथ अब बताते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ सेट करते हैं। इधर एक्स है, इधर वाई है, यहाँ पर जीरो है, ओ है, यहाँ का कोऑर्डिनेट है 0,0, और पॉइंट अब ले रहे हैं, ये पॉइंट ए, इधर पॉइंट एक बी लिए, ये पॉइंट ले लिए, अब यहाँ पर ए बी सी ले लो एक पॉइंट। ठीक है, ए बी सी कुछ भी ले सकते थे, इसका कोऑर्डिनेट है 2,2 2,2। एक ये रास्ता हो गया, इधर सीधा पाथ बता रहे हैं, या ऐसा ना बता रिलेशन सीधा बताते इसके बीच में। ये अब यहाँ ओ से सी जाने का कितना रास्ता हो गया? तीन रास्ता दिख रहा अभी, एक दो और एक तीन। तो जब रास्ता बता दोगे तो वर्क निकल जाएगा, है ना? रास्ता ऐसे बता दिए ना, तब भी आसान नहीं निकालना। कौन कौन से पाथ से है वर्क डन फ्रॉम? पहला है पाथ, चलो पहला सीधा वाला पाथ से निकाल लेते हैं, पाथ ओसी। वर्क डन किस पाथ से जुड़ू? ओ से सी। दूसरा वर्क डन ओ से ए, और फिर ए से सी। और तीसरा वर्क डन फ्रॉम ओ से बी है क्या वो? हाँ बी है, बी से फिर सी। नोट कर लो सवाल, इसको सॉल्व करते हैं, इसको घर पे रिपीट करना है एक दफा, अभी हम ही बनाते हैं। ठीक है चुटू, रिपीट देखो, इसको रिपीट करना है।
पहले अच्छे से नोट कर लो इसको, नोट कर लिया? चलो शुरू करें बताना शुरू। यस सर। चलो सबसे पहले पाथ हम लोग ओसी देख लेते हैं। कौन सा पाथ? ओसी। तो ओसी पाथ तो बड़ा आसान है, पहला आप सवाल बना रहे हैं हम लोग पाथ ओसी। पाथ ओसी में तो एक रिलेशन सीधा आ रहा है एक्स और वाई के बीच में, नहीं आ रहा? यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 0 है, यहाँ कोऑर्डिनेट 2 2 है, तो एक रिलेशन क्या हो जाएगा बोलो इसके बीच में? वाई बराबर एक्स हो जाएगा। वाई बराबर एक्स। ऐसे जनरल फॉर्मूला बता दो, मान लो यहाँ पर तो थोड़ा आसान है, यहाँ का कोऑर्डिनेट नहीं लिखा हुआ है, स्लोप 45 डिग्री है, छोड़ो स्लोप कितना डिग्री है? 45। हाँ, y बराबर mx प्लस c, स्लोप है 45 डिग्री और इंटरसेप्ट क्या? y is equal to x ही आ जाएगा। हाँ वो तो आ जाएगा, समझ रहे। और एक फॉर्मूला भी क्या होता है, y माइनस y माइनस y1 is equal to m माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1 माइनस x1। साइड में कहीं लिख लीजिए, आप लोग को तो आता है ये सब, साइड में लिख लो, राइट कर दो। तो इसी किसी भी रिलेशन से यहाँ पर पुट करेंगे तो रिलेशन क्या आ जाएगा, y बराबर x आ जाएगा कि नहीं? यस। तो इस पाथ में क्या है रिलेशन, y बराबर x। तो आप जरा देख लो यहाँ पर कहाँ पर फंसा हुआ इक्वेशन था, dw बराबर हम लोग क्या लिखे हुए थे, वहां पर से आगे बढ़ाते हैं। dw थोड़ा डायरेक्ट लिख लेते हैं, y स्क्वायर dx था छोटू, प्लस था xy dy, देखो यही था। yes. यही था। अब जहां पर दिक्कत हो रहा वहां चेंज कर लो, जहां पर दिक्कत हो रहा वहां पे जैसे यहाँ पर दिक्कत हो रहा है आपको यहाँ पर चेंज कर लेंगे हम। तो dw बराबर y स्क्वायर की जगह लिख देंगे x स्क्वायर, अब तो बढ़िया आ गया। प्लस यहाँ पर कौन दिक्कत कर रहा है, x दिक्कत कर रहा है, यहाँ पर एक जगह y रख देंगे, किया जगह y स्क्वायर dy। बोलो हुआ या नहीं, बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं देख के अब इसको? यस सर। अब क्या करेंगे, अब तो पुराना काम जुटू, a से b नीचे दिख रहा है कि कट रहा फोटो? देख रहा है, ठीक है। यहाँ कोऑर्डिनेट 0 0 और ऊपर का कोऑर्डिनेट है 2 2, यहाँ पर सॉल्व करके लिख दीजिए, ये कितना आ जाएगा x क्यूब बाय 3। अरे बोलता क्यों नहीं भाई? यस x क्यूब बाय 3, तो डायरेक्ट बोलो ना x क्यूब बाय 3 है और 2 रख रहे हो तो कितना आ जाएगा, 8 बाय 3 आ जाएगा। यस सर। इधर से कितना आ जाएगा, इधर से भी वही आ जाएगा लग रहा है। yes. इधर से भी कितना आ जाएगा, 8 बाय 3, मतलब इस आप देखना इस पाथ में जो वर्क आया वो 16/3 joule आया। अलग अलग पाथ में वर्क डन क्या आएगा, अलग 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 अलग। इसको नोट कर लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है तो नोट कर लो आप लोग। तो इस पाथ से वर्क डन आया 16/3 joule, 16/3 joule। इस पाथ से निकालना थोड़ा टेढ़ा काम है, थोड़ा थोड़ा सा है, क्योंकि इससे यहाँ से यहाँ एक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं आप, दो स्ट्रेट लाइन है, ऐसे यहाँ से यहाँ के लिए एक इक्वेशन थोड़े लिख सकते हैं आप। तो देखिए क्या करेंगे अभी, क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या रहे? कहीं आवाज आ रहा है क्या? आकाश, आकाश इस बैच में नहीं है सर, कल मिलन से बात हुआ था सर, जिसके बारे में आप बता रहे थे। किससे? मिलन। अच्छा हाँ, मिलन जीरो को वाला सर। क्या बोल रहा था सर? आप सर तुम्हारा बात कर रहे थे कि शादी या फिर गांव गया हुआ, तो नहीं यार हम कहीं नहीं गए सर, किसी और के बारे में बोल रहे।
नहीं तो उसका अभी जीत के बारे में बोल रहे थे। अच्छा नहीं उस टाइम सर मतलब आप बोल रहे थे ना कि मिलन बोल नहीं रहा, तो हम लोग बोले थे ना वो इस बैच का नहीं है। अच्छा नहीं वो तो अच्छा पढ़ने में बढ़िया। हाँ सर एक डाउट भेजे थे ग्रुप में तो उसका आंसर भी दिया। सही है तेज पढ़ते। चलो इसको मिटा दे चलो। हाँ सर मिटा दे। चलो आ जाओ अब देखो अब सीखो बढ़िया सब। अब ये थोड़ा सा अलग है वो एक बता देगा तो ये सीख जाएगा। तो अब पाक ओएसी में देखो क्या होगा। दूसरा पाक ओ ए सी OAC में ठीक है। अब OAC में क्या करना है तुमको, एक तरफ पाथ पहले लिख लीजिए आप ठीक है। चाहो तो दोनों का लिख लेते हैं, पाथ लिख लो ठीक है, एक तरफ X लिख लो, एक तरफ Y लिख लो ठीक है भाई। एक टेबल बना लो, बोलो OA से OA पाथ में क्या हो रहा है, एक्स कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल है, जल्दी बोलते जाओ। OA पाथ में एक्स वेरी कर रहा है जीरो से दो तक, जीरो से कहां तक, दो तक। एक्स तो वेरी कर रहा जीरो से दो तक, वाई क्या है कॉन्स्टेंट, अब कॉन्स्टेंट में भी कितना है जीरो, वाई बराबर कांस्टेंट और कांस्टेंट में जीरो है। देखो ये आ गया किस पाथ में, चलो ओए पाथ में, किस पाथ में, अब आइए एसी पाथ में। एसी पाथ में बोलो तो एक्स क्या है, कांस्टेंट, एक्स बराबर कांस्टेंट और कांस्टेंट में कितना है, दो, कांस्टेंट में दो है। कांस्टेंट में जब कांस्टेंट जब हो जाए तो इसका डीएक्स जीरो हो जाएगा, ये पता है कि नहीं। यस सर। यस सर। अच्छा वाई क्या है, जो वाई तो वेरी कर रहा। यस सर जीरो से दो। जीरो से दो तो ऐसे एक टेबल बना ली, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन कैसे लिखिएगा आप, अब बन गया सवाल। अब इसी तरह जब ये करना होगा तो इसका भी लिख लीजिए, हम चाहे तभी इसका भी लिख दे लेकिन वो अलग सवाल है, वो इसमें नहीं लिख रहे हैं। यहाँ तक नोट कर लिया। यस सर। चलो ठीक बहुत बढ़िया। अब हम कहां पर बना दे सवाल, एक मिनट इधर दिखता है क्या तुम लोगों को इस तरफ, इधर राइट साइड में। यस सर। यस सर। हां इधर 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 लिखे, यहां भी लिख सकते। और जो डी डब्ल्यू जहां तक छोड़े थे करके वो डायरेक्ट बताइए, डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स, अब प्लस हो जाएगा एक्स वाई डी वाई, वाई स्क्वायर डी एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई, अरे बोलता क्यों नहीं है, एक्स वाई और डी वाई हो जाएगा छोटू। अब इसको अब इसको इंटीग्रेट करो, दो भाग में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक भाग में नहीं होगा। पहले अब यहां से यहां का वर्क निकालेंगे, फिर यहां से यहां का वर्क निकालेंगे, दो पार्ट पहले बनाएंगे कहां से कहां तक का वर्क, फिर बाद में जोड़ देंगे। वर्क डन फ्रॉम ओ टू ए निकालेंगे पहले, बस सब बच्चे समझ लो बढ़िया से। पहला पार्ट क्या करेंगे इसमें हम दूसरा सवाल बना लें, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में दो पार्ट करके बनाएंगे इसको, पहले यहां से यहां का वर्क निकालेंगे तब फिर यहां से यहां निकालेंगे, एक बार वर्क नहीं निकलेगा क्योंकि दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन है, समझ रहा। तो ओए पाथ में आ जाइए, पाथ ओए को देखिए आप, ओए पाथ में एक्स क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्या है छोटू, नहीं नहीं ओए पाथ में एक्स वेरिएबल है, जीरो से दो के बीच में वेरी कर रहा है। अच्छा वाई कांस्टेंट है या नहीं, यस यस, तो ये जो वाई है ये तो वाई बराबर कांस्टेंट, ये तो जीरो टर्म हो जाएगा, अब प्लस और दूसरा में देखो इसमें x क्या है तुम्हारा, अब इसमें x कांस्टेंट है और y कांस्टेंट है,
एक्स तो वेरी कर रहा है जीरो से दो, लेकिन वाई क्या है तुम्हारा, कॉन्स्टेंट है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब समझो कैसे जीरो हुआ, एक बार समझ लीजिए कैसे जीरो हुआ है। ये पार्ट जीरो होने की वजह क्या है, ये पार्ट जीरो होने की वजह है वाई का जीरो होना, इसका जीरो होना वाई का, हाँ, और इस पार्ट का भी जीरो होने की वजह है वाई का जीरो होना, वाई का जीरो। यहाँ से यहाँ आने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो ये तो जीरो जूल वर्क हो गया। अब दूसरा पार्ट बी है, पार्ट बी में कहाँ कहाँ वर्क छोटू, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, समझे, दोनों को जोड़ देंगे फिर, तो ए से सी में, फिर पहले लिख लेते हैं इसको, वाई स्क्वायर डी एक्स, अब प्लस क्या, एक्स वाई डी वाई, एक्स वाई डी वाई। अब जरा देखो, पहले वैल्यू चेंज ठीक कर लेते हैं हम लोग। अब इसमें क्या होगा, ए से सी में, ए से सी में क्या हो रहा, वाई क्या है तुम्हारा, वेरी कर रहा है सर, वाई कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, जीरो, ये टर्म हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये टर्म क्या हो जाएगा, इसमें भी जीरो आ जा रहा है, टू वाई डी वाई हो जाएगा सर। एक मिनट, इसमें क्या हो रहा है, अच्छा ये पार्ट, ओ सॉरी सॉरी, हमको ये नहीं देखना था, वो ए को देख लिए, सॉरी सॉरी छोटू, इसमें जो वो एक्स कांस्टेंट है छोटू, तो एक्स कांस्टेंट होने की वजह से डीएक्स जीरो होगा कि नहीं, यस सर, अरे एक्स कांस्टेंट होने से डीएक्स क्या हो जाएगा, नहीं समझ रहा तुम लोग, ये वाई वाई ठीक है वाई है, लेकिन ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, ये सर मल्टीप्लाई करने पर जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा, हाँ ठीक बोल रहा है वो, और 2 हो जाएगा, 2y dy हो जाएगा, तो ये पूरा सॉल्यूशन क्या आ गया, 2y अब dy, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, अब इसको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ था, ये dw लिख दो, यहाँ पर भी dw लिख देना चाहिए था, अच्छा कोई बात नहीं, तो जीरो हो गया था, तो इसमें इंटीग्रेट कर दीजिए a टू c, कहाँ से कहाँ था छोड़ो, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, जीरो से टू तक, टू तक, नीचे दिखाई दे रहा है, अब तो हो भी गया, कितना आ गया है सोल्यूशन, y क्यूब बाय थ्री, y क्यूब बाय थ्री, तो कितना आ गया सब मिला, y स्क्वायर आ जाएगा सर, हाँ हाँ y स्क्वायर 4 जूल आ जाएगा, y टू, y स्क्वायर बाय टू, तो दो से दो कट जाएगा छोटू, यस सर, 4 जूल आ जाएगा। इस पाथ में जो, चूंकि इस पाथ में वर्क जीरो हुआ, इस पाथ में वर्क हुआ 4 जूल, अब दोनों को जोड़ देंगे, तो फाइनल आंसर अब यहाँ लिख देते, इधर इधर लिखते हैं, तो फाइनल आंसर हो गया दूसरे का, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ओ ए सी, दिस इज योर 4 जूल, होगा कि नहीं, 4 जूल होगा। अब एक बार ये ट्राई करेगा तुम लोग थोड़ा सा, ऐसे चार्ट बना पहले, एक बार ऐसे चार्ट बनाइए पहले, पहले ये लिख दो ऊपर में, ओ बी सी, ये चार्ट बनाओ, चार्ट कैसे बनाएगा, इसी तरह पाथ एक्स वाई, पाथ में पहले ओ से बी जाएगा, फिर बी से ओ से बी, फिर बी से सी, 2 मिनट दे, एक बार अपने से बनाएगा तो अच्छा रहेगा। अब तुम देख लो, इस पाथ से अलग वर्क आया था, इस पाथ में अलग वर्क आया कि नहीं, इस पाथ में वर्क कितना आया था, पहले वाले में कितना जवाब था, कितना था, 16 by 3, इसमें आ गया 4 जूल, अब देखो इसमें कितना आता है, 4 जूल, इसमें भी 4 आ रहा, हो सकता है किसी दो में सेम, सभी में सेम नहीं आएगा, देख लिए करके देखो छोड़ो, इसमें ऊपर वाले में देखो,
बदल गया छोटू सर 8 जुलाई और कोई बोलो आकांक्षा बोलो 8 जुलाई ठीक है समझ में आ गया ना ऐसा सवाल यस सर मेरे पास जवाब तो नहीं है पता नहीं तुम लोग सही बोल रहा गलत बोल रहा आप कैसे बोले इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा और को बोलो और को बोलेगा बच्चा जिसका 8 नहीं आया वही तो कम से कम बोलो यार अलग आ रहा है किसी का कुछ इतना देर में बना देते सर 8 जून तब ठीक ही होगा इतना बच्चा बोल रहा पता नहीं सही बोल रहा अच्छा उस सवाल में सेल्फ लिख लेना उस सवाल में सेल्फ लिख लेना कप में ठीक है अपने से बनाया है हम पर रिस्क मत देना तो ये चीज सीख तो लिया तरीका तो सीख लिया छोड़ो Yes, sir. चलो वर्क डन में एक चीज और बचा हुआ है जो शुरू में ही बता देना चाहिए था एकदम छोटा सा चीज है नहीं बताए थे तो बता देते हैं पहले ये कंक्लूड कर लो यहाँ पर ये तब बताते हैं वो चीज कि वर्क कितने फोर्स कितने तरह का होता है दो तरह का फोर्स कितने तरह का होता है चलो दो तरह का जी एक का वर्क पाथ पर डिपेंड करता है और एक का वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है ठीक है एक फोर्स का वर्क जो होता है वो पाथ पर डिपेंड करता है एक फोर्स का वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो जिसका वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करे इनिशियल से फाइनल दो पोजीशन तो बताना पड़ेगा छोटू है ना ऐसे मत बोलना पाथ 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 जब भी होगा तो दो दिए हुए पॉइंट के बीच की बात करेंगे हम नहीं बोलेंगे कहीं वो कोई पॉइंट तो इनिशियल से फाइनल के बीच में इसको पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है पाथ इंडिपेंडेंट पाथ इंडिपेंडेंट ये भी लिख भी दो पाथ इंडिपेंडेंट अपने लैंग्वेज भी लिख दो और दूसरा अभी जो एग्जांपल कराए थे लास्ट वाला जो एग्जांपल था ये क्या डिमांड कर रहा था पाथ तो थोड़ा लैंग्वेज भी लिख दो इसमें क्या लिखेगा वर्क डन इसमें क्या लिखेगा वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट इसमें क्या लिखेगा वर्क डन पाथ डिपेंडेंट ठीक है इसमें क्या लिखेगा जो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट इसमें क्या लिखा वर्क डन पाथ डिपेंडेंट अच्छा अब इस फोर्स का एक नाम हम लोग रख देते हैं ठीक है नेमिंग करते हैं नाम रखते हैं इसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं तो लिखो नॉन एज कंजर्वेटिव फोर्स का और भी प्रॉपर्टी बताएंगे लेकिन एक प्रॉपर्टी ये है नॉन एज कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स और इसको क्या बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसको क्या बोलेंगे जुड़ो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हाँ उधर लिखो तो नॉन कंजर्वेटिव
तो जो इधर क्या लिखा जुड़ू, इधर वाले में क्या लिखा जल्दी बोलो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिखे। अच्छा बोलो, देख के पहचान जाएगा। जितना कांस्टेंट फोर्स होगा सब कंजर्वेटिव फोर्स होगा। यस सर। आई के साथ एक्स हो, वाई के साथ जे के साथ वाई हो, और के साथ जेड हो, ये भी कंजर्वेटिव होगा। हाँ सर। यस सर। हाँ, एक कैटेगरी, एक कैटेगरी और है जिसमें आई के साथ, हाँ, पार्शियल इंटीग्रेशन से चेक करेंगे, जिसमें शंका हो। यस सर। तो ज्यादातर चांस है कि देख के ही पहचान जाएंगे कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं। फिर से बोले, कौन कौन सा कांस्टेंट फोर्स, ऑल कांस्टेंट फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, जिसमें आई के साथ एक्स, जे के साथ वाई, के साथ जेड हो, वो हो जाएगा, और हाँ, जिसमें पार्शियल इंटीग्रेशन इक्वल आ जाए वो भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंजर्वेटिव फोर्स का कुछ प्रॉपर्टी और बताएंगे बाद में, अभी जब एनर्जी शुरू करेंगे तब, मतलब एक दो क्लास के बाद। चलो आ जाओ, अब एक थोड़ा चीज छोटा सा बचा हुआ था, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ वर्क डन। ग्राफ से कैसे वर्क डन निकाले, लिख लीजिए। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ, आई कन है या नहीं है क्या आज? आई लगता नहीं है वो, कन्हैया देखो लगता है सोया रह गया वो सर, थोड़ा लेट हो जाए अभी, है ना अभी? यस सर। कितना लेट से ज्वाइन किया? थोड़ा लेट हो गया था सर, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो क्या करते, छूट जाता है तब? हम जैसे दोस्त है ना सर, हम लोग नोट्स शेयर कर देते हैं। ऐसे YouTube पर भी आता है लेक्चर? नहीं सर, 11th का नहीं आता है, सिर्फ 12th का आता है, देखते हैं। अब रिकॉर्डिंग होता है सर, लाइव YouTube पर नहीं है सर। सारा नहीं आता, कुछ कुछ आता है। अभी तो लग रहा है YouTube पर जा रहा है अभी। नो सर, YouTube पर नहीं, पे डाल देता है। YouTube पे आता है तो लिखा जाता है लाइव ऑन YouTube, लाइव ऑन YouTube। अभी सिंबल, अच्छा तुम लोग अभी लिखा जाता है? हाँ सर, अभी अभी क्या रिकॉर्डिंग लिखा है वो? अरे वो सिंबल YouTube का बना हुआ है सो? नहीं 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 बना हुआ है सर, मेरा तो है बना हुआ। अब हम चाहे तो रोक दे यहाँ से, लेकिन चलने देते हैं। सब लेक्चर नहीं डालेंगे, कुछ कुछ डालेंगे उस पर। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ क्या लिखा, ग्राफिकल मीनिंग, हाँ नोट से शेयर करके समझ लेना। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ वर्क डन बाय फोर्स लिखा चुटू? यस सर। देखिए इसका मतलब समझिए, डी डब्ल्यू बराबर, डी डब्ल्यू मतलब चुटू स्मॉल वर्क डन, ये लिखा हुआ है एफ डी एक्स। इसका क्या मतलब, ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, तभी ना एफ डी एक्स लिखा हुआ है। एफ डी एक्स तभी लिखा हुआ है छोटू? यस। तो जैसे वाई रहता था और एक्स, ये वर्क डन कब होगा, एफ, जब फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट ही उधर ही पूरा का पूरा फोर्स है। तो वर्क डन जो होगा, ये वर्क डन जो होगा वो इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या एरिया नहीं बताता है? यस सर। फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो ये क्या बता देगा, एरिया इनसाइड साइड नेट एरिया, कौन सा एरिया? नेट एरिया। नेट एरिया मतलब ऊपर के एरिया पॉजिटिव, नेट एरिया इनसाइड
नेट एरिया इनसाइड बोलो द कर्व नेट एरिया इनसाइड नेट एरिया इनसाइड लिखेगा नेट एरिया बिटवीन लिखना चाहिए अच्छा हाँ वो भी चलेगा नेट एरिया इनसाइड कर्व इनसाइड कर्व इनसाइड कर्व बिटवीन नेट एरिया इनसाइड कर्व बिटवीन ग्राफ गड़बड़ हो गया नेट एरिया बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस ऐसे लिख लो अच्छा रहेगा इनसाइड लिख के फंस गए इनसाइड काट दो थोड़ा सा नेट एरिया किसके बीच में बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस ये अच्छा है yes, sir. जैसे यहाँ पर वाई रहता था यहाँ पर डीएक्स रहता था वाई डीएक्स एरिया बताता था कि नहीं yes, sir. अच्छा अब क्या है पूरा फोर्स तो एक्स के लोग नहीं है पूरा फोर्स एक्स के लोग नहीं तो उसका कंपोनेंट ले लेंगे क्या ले लेंगे चलो उसका कंपोनेंट हाँ तब भी आ जाएगा तो दूसरा में डी डब्ल्यू बराबर अगर कोई ऐसे लिख दिया हो एफ एक्स डी एक्स इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा फोर्स एक्स के लोग नहीं है लेकिन उसका टुकड़ा एक है जो एक्स के लोग है तब भी इसका ये भी तो वर्क को ही बता रहा है वर्क डन बराबर इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स कहां से कहां तक इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन फिर वही बात को लिख दो नेट एरिया किसके बीच नेट एरिया बोलो बिटवीन एक्स एक्सिस कर्व एंड एक्स एक्सिस लिखो नेट एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस लिख लिया अब फोटो समझा देते हैं यहाँ पर एक फोटो बना देते हैं तो अच्छा समझ में आ गया एकदम आसान है ये भारी नहीं है लेकिन आपके मॉड्यूल में शुरू में ही ये सवाल दे दिया अब तुम वर्क लगभग मोटा मोटी पूरा सीख गया है हर तरह का वर्क निकालने के लिए अब एक सिचुएशन का वर्क सिर्फ बचा हुआ है तीन चार एग्जाम्पल वो कराएंगे हो जाएगा अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी देखो या तो इस एक्सिस पर फोर्स है बोलो या कंपोनेंट ऑफ फोर्स है एफ है या एफ एक्स है फोर्स है या क्या चलो कंपोनेंट एक्सिस पर फोर्स है या फिर कंपोनेंट ऑफ फोर्स है इस पर एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ है टक 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 ऐसा तो ये इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन इसके अंदर का ये एरिया यही एरिया क्या बताता है एरिया क्या बताता है वर्क डन बताएगा क्या बताएगा एरिया वर्क डन बता देगा ठीक है तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा एक बार फिर से लिख देते हैं वर्क डन बराबर हो जाएगा एरिया नेट एरिया एरिया नहीं कौन सा एरिया नेट एरिया जो शेडेड है समझ गया तो कहीं पर भी अगर एफ और एक्स के बीच का ग्राफ हो और उसके अंदर का एरिया निकालोगे क्या निकल जाएगा वर्क डन हाँ वर्क डन निकल जाएगा ठीक है भाई समझ गया सब बढ़िया से यस सर अब एक दो छोटा छोटा एग्जांपल इस पर देख लीजिए ये तो पहले से आता है काइनेमेटिक्स में खूब पढ़े हैं आप लोग तो देख लो एक दो एग्जांपल नहीं ये टाइम ठीक है सुबह में थोड़ा लगता है उठने में ये थोड़ा परेशानी एक बार लगती है एक बार जोर लगाना पड़ता है दिन उठ गया था भी अच्छा लगता है फिर पढ़ने नहीं यस सर क्या नहीं अच्छा लगता है धीरे से यस सर बोल रहा नहीं सर अच्छा लगता है सर अच्छा लगता है सर क्योंकि पहले जैसे 4-5 बजे तक अगर जागे रह जाते थे तब उठ ही नहीं पाते थे बट 2-3 बजे तक मैनेज रहता है 5 फिर 8 बजे उठ जाते हैं तुरंत निकल भी गया ना अपना अब नाश्ता वास्ता करके फिर बैठेगा पढ़ने 9:30 बजे तक अपना फ्री हो गया एक क्लास सही बात है अभी क्लास फिर है तुम लोगों का है 10 बजे रेड बार है सारी शेड्यूल होगा क्या होगा बी शेड्यूल हमें सारी शेड्यूल आता है केमिस्ट्री का यस सर देखो आ जाओ छोटो
एक आसान सवाल कर लेते हैं पहले, ये आ जाओ, 5 है 10 है ये 20 है, 5 है 10 है और बोलो 20 है, इसका ए वर्क निकालना है, वर्क डन बाय फोर्स, एकदम आसान, एरिया निकाल दो अंदर का खटाक से, तो एरिया हम ही बना देते हैं, ट्रायंगल है, हाफ बेस कितना हो जाएगा 10 इंटू हाइट कितना हो जाएगा 20, और देखो ये SI यूनिट यूज हुआ है तो कितना हो जाएगा 100 जूल, yes, sir. हो गया 100 जूल। एक और सवाल देते हैं जिसमें एरिया थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, चलो आज दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लो, बच्चा वाला सवाल ये सब, ठीक है। F है ये X है, और क्या कर दे भाई, क्या कर दे, चलो एक ट्रायंगल ऐसे बना दे, बढ़ा दिए थोड़ा, कितना कितना ले लें, इसी जो 4, 8 और ये 10, ठीक है, X है मीटर में, X किस में है मीटर में, और फोर्स है न्यूटन में, और ये बताना पड़ेगा ये 20 है, अब ये वेरिएबल फोर्स है कि नहीं, देखो पहले बढ़ रहा है, टक 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 बढ़ रहा था, तो ग्राफ में वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना एकदम आसान होता है, यही इक्वेशन में थोड़ा दिक्कत है, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, क्या करेगा इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे, माइनस कर देगा, चलो बताओ नीचे का अक्षर कोऑर्डिनेट वाला के नीचे जरूरी है, नहीं निकल सकता बगैर दिए, अच्छा टैन थीटा से, इस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों कैसा ट्रायंगल है, ये कैसे सिमिलर, राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर भाई, हाँ सिमिलर है, यस सर यस सर, ऐसे यहाँ टेन थीटा से भी देखो ये एंगल दोनों बराबर है, तो दिस बाय दिस बराबर दिस बाय दिस कितना आ जाएगा, वहां से यहाँ से ये वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये 20 बटा 4 20 बटा 4 दिस शुड बी इक्वल टू वाई या एफ डिवाइडेड बाय 2, यस सर 10 ही आएगा, चलो तो बोलो कितना A1 - A2, A1 कितना मेरे भाई, हाफ, बेस कितना, बेस कितना कांचा बोलो 8 इंटू हाइट है 20 माइनस A2 हाफ, हमको हम उधर नहीं देख रहे, बता दीजिए तुम लोग, हाफ स्क्रीन नहीं देख रहे, हाफ बेस कितना 2 और हाइट कितना 10, फिर माइनस मत लिख दे रहा यहाँ पर, 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 70, 2 से 2 कट जाएगा, 2 × 8 इधर से आ गया 80 उधर से आ गया 10, तो वर्क हो गया कितना 70 जूल, तो अगर ग्राफ दिया हुआ हो तो वर्क निकाल लेगा, यस सर, अब हर तरह का वर्क निकाल लेगा, एक बचा हुआ खाली सिचुएशनल ग्राफ, एक वर्क डन, अगला क्लास में वो बताएंगे और शुरू करेंगे तुम लोगों का पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, इस चैप्टर का भी आधा हो गया सिलेबस, वर्क सिखा दिए, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सिखाना है, ठीक है, ठीक है सर, उधर उधर का काम निपटा लीजिए आप, यस सर हो जाएगा वो, ठीक, थैंक यू सर, ठीक है चलो, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर।